नमस्कार दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2018 में सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है कि स्किल इंडिया कैंपेन में का एम्बेसडर किसको किसको बनाया गया है। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रवासी भारतीय दिवस 2019 कहाँ मनाया जाएगा। तो ये वाराणसी यूपी में मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2019। 2019 ऑस्कर में कौन से इंडियन फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, वो विलेज रॉकस्टार को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये एक आसामी फिल्म है। ठीक है दोस्तों, ये एक आसामी फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो है रीमा दास, RIMADAS। ठीक है, रीमा दास यहाँ इसकी डायरेक्टर है। नेक्स्ट आपका है कि इंडियाज रैंक ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इंडिया का रैंक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में कितना है, 127 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये भी होता है कि पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहला स्थान पे है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018। तो 2018 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विनर कौन कौन है, तो विराट कोहली क्रिकेट से हैं और मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है वो है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अवियेंद्र 18 इज अ एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड रशिया। अवियेंद्र 18 ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसमें दो बार आपका जो है इसका समिट होगा। ठीक है, तो पहला जो है वो कहाँ पे होने वाला है, सितंबर महीना में आपका होने वाला है लिपस्टेक रशिया में। ठीक है, लिपस्टेक रशिया में सितंबर महीने में होगा और दिसंबर महीने में जोधपुर इंडिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एशियन गेम्स और एशियन पैरा ओलंपिक्स 2022 कहाँ पे होने वाला है, वो हैंगजाओ चाइना में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रहार। प्रहार क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज का टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि राजभाषा कीर्ति अवार्ड ऑन हिंदी दिवस। राजभाषा कीर्ति अवार्ड किस कौन से बैंक को दिया गया, वो PNB बैंक को दिया गया हिंदी दिवस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फीफा बैलन डोर अवार्ड 2018 किसको दिया गया है, वो लुका मॉड्रिक को दिया गया है। लुका मॉड्रिक, यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि लुका मॉड्रिक कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो वो क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हाल ही में आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, तो लुका मॉड्रिक जो है क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 15 सितंबर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि IRDA जो है उन्होंने उसने क्या किया कि मिनिमम इंश्योरेंस कवर एक ड्राइवर का रेस करके 15 लाख तक कर दिया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका है कि इंडिया और एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक फॉरेन कंपनी है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये एक इंटरनेशनल कंपनी और इंडिया दोनों ने क्या किया है, लॉन्च किया है क्या ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, वो 5 स्टेट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 5 स्टेट हैं, वो है MP, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो ये 5 स्टेट में
इन्होंने क्या किया है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड एंजाइमस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एंजाइमस डे मेरा 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि पीएमजे जय, ठीक है, तो पीएमजे या इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोग पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोही योजना। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, 10 करोड़ फैमिलीज को, ठीक है, एक कैशलेस हेल्थ कवर दिया गया था। कितना का, तो 5 लाख का। ठीक है, ये आयुष्मान भारत के अंडर में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि न्यू चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिफेंस किसको मनाया, किसको दिया गया है, न्यू चेयरमैन कौन बना है, तो बना है आपका कलराज मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि इंडिया साइंड MOU विद मोरक्को। ठीक है, मोरक्को और इंडिया के बीच में MOU साइन किया गया, किस 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 लिए, टू इन्हांस कोऑपरेशन इन MSME सेक्टर। MSME सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए इन दोनों देशों में MOU साइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड वन बाय, ठीक है, बेस्ट हेरिटेज सिटी कौन कौन से दो सिटी विन किए हैं यहाँ पे, अहमदाबाद और मांडू। ठीक है, ये दोनों सिटी को बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि यूनाइटेड नेशन और नीति आयोग ने साइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, 2018 से 22 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिए नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने साइन किया है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये तो था सितंबर महीने के करंट अफेयर्स। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।